बेसिकली आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, क्योंकि ये जो चीज दिन आ गया यार, भगवान को देखने के लिए भी पास अपॉइंटमेंट सब कुछ लेना पड़ेगा। सच में बोलूं, ट्रस्ट मी, ये सामने है महीम दरगाह जहाँ पे सिंघम 2 का शूटिंग हुआ था। ऑलराइट, तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है सिद्धिविनायक टेंपल, जो कि हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है, जिसके लिए हम लोगों ने चर्च गेट की तरफ ट्रेन लिया है अंधेरी से, और हम लोग उतरने वाले हैं दादर वेस्ट में। दादर वेस्ट में उतर के ही आप लोगों को तुरंत शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा, जिसका पर हेड कॉस्ट है 10 रुपीज। जी हाँ, और वो टैक्सी हम लोगों ने लिया और चल दिए हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है सिद्धिविनायक टेंपल। ये सिद्धिविनायक का टेंपल का रास्ता है, और वो अभी ये चल रहा है टेम्पल है, लेकिन अभी विदाउट ऑनलाइन बुकिंग आपको जा नहीं पाओगे। जया कोशिश कर रही है, कोई ऐप है ऑनलाइन भगवान दर्शन करने के लिए भी आजकल ऑनलाइन ऐप होने लगा, उसको बुकिंग करना पड़ता है, पता नहीं कैसे इंस्टेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ हम लोग। आज के लिए बुक हो गया, नहीं मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ सिद्धिविनायक, अगर आप विजिट कर रहे हो पहले से ऑनलाइन बुक करके आओ। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस है हाउ टू बुक ऑनलाइन सिद्धिविनायक दर्शन, आप वहाँ पे ऑनलाइन बुक करके आओ, नहीं तो हमारे जैसा ऐसा हैरेसमेंट होना पड़ेगा। क्या दिन आ गया जाएगा, भगवान जी का अपॉइंटमेंट लेके खड़ा था। सीरियस, भगवान जी दर्शन करेंगे वो भी ऑनलाइन? और गुरुवार को बुकिंग होता है। किस बार? गुरुवार, गुरुवार संडे बुकिंग होता है ओनली। गुरुवार, थर्सडे, थर्सडे, मतलब गुरुवार को हफ्ते में सारे दिन का पूरा बुकिंग होना पड़ता है। थैंक यू, क्या दिन आ गया। हम लोग कोलकाता से आए दर्शन करने के लिए, हम लोगों को पता नहीं था। एवरी थर्सडे हफ्ते के लिए पूरा बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन, सो कोई एक ऐप के थ्रू बुकिंग होता है, वो आप लोग एक बार यूट्यूब में चेक कर लेना, अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप इंस्टेंट पास ले सकते हो सिद्धिविनायक के लिए, लेकिन उसके लिए 1500 रुपये पर कपल देना पड़ेगा। तो अभी टीवी में भी दिखा रहा है दर्शन बाहर स्क्रीन में कुछ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ से देखने की। क्या दिन आ गया यार, भगवान को देखने के लिए भी पास अपॉइंटमेंट सब कुछ लेना पड़ेगा। सच में बोलूँ, ट्रस्ट में जो भक्ति से आया ना ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पे ये बिजनेस हो गया, हर जगह पे। ये ऐप है और ये टीवी स्क्रीन है, यहाँ से दिखता है, यहाँ से दर्शन करके जाना पड़ेगा। आप लोगों को दिख रहा है कि पता नहीं, यहाँ से दर्शन करके जाना पड़ेगा। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सोना। यहाँ बहुत सारे खाने के दुकान भी है, लेकिन मेरा दिमाग आज खराब हो गया, इसलिए कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मिठाई का दुकान है, आप लोग पास के लिए डायरेक्टली इनसे भी बात कर सकते हो यहाँ पे भी। पानी पी के घर चलो। और यहाँ पे मैंने कुछ देखा, रोटी टाइप ऐसा पराठा टाइप, जय बोल रही, इसको पूरन पुली बोलते हैं, पराठा टाइप, ये सब चीज़ मिलता है। मोदक तो इसको बोलते हैं ना, मोदक, ये मावे वाला मोदक है, और ये जैसे अपन पीठा बनाते हैं अंदर नारियल का दूध डालते हैं, भापा हुआ। श्योर, मैं उनसे पूछूँ, ये भी मोदक है, इसको भी मोदक, इडली है, ये मोदक है। हाँ, ये मोदक है, वही बोलो भाई। बेसिकली आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, क्योंकि ये जो चीज इन्वेंट हुआ था
मुंबई एज वेल एज पूरे महाराष्ट्र इसका लुत्फ उठा रहे हैं आज बड़ा पाव। अभी मैं हूँ अशोक बड़ा पाव, जो 1996 में अशोक वैद्य नाम के एक सज्जन ने जिन्होंने ये इन्वेंट किया था उनके दिमाग से, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक पे कोई मिल था जहाँ पे थाउजेंड्स के ऊपर एम्प्लॉय रहते थे, उनके पास टाइम नहीं होता था, तो वो लोग 10 मिनट के लिए निकलते रहे टिफिन में, तो कुछ जल्दी जल्दी फटाक से खाने के लिए उन्होंने ये इन्वेंट किया था अशोक जी ने। सोच रहे हो कितना दिमाग था, आज इसका पूरे मुंबई पूरे महाराष्ट्र मज़ा ले रहा है। तो अब मैं उनसे वहाँ से ले लिया है ये बड़ा पाव, यहाँ पे जो बड़ा तलने के बाद जो चूड़ा रहता है, चूड़ा बोलते हैं ना तुम लोग, चूड़ा रहता है, ये भी दे दिया है। देखो इस चीज़ का मैं कोई रिव्यू नहीं कर सकता बिकॉज ये रिव्यू मेरा इतना हैसियत नहीं है इसका रिव्यू करने का, मैं तो भी इन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात गरम गरम सर्व होता है, ऐसा नहीं कि पहले से बना के रख दिया कस्टमर आया सर्व है, पूरा गरम। ये दादर वेस्ट में मैं अभी हूँ कीर्ति कॉलेज के नज़दीक, कीर्ति कॉलेज के नज़दीक आप जैसे सर्च करोगे अशोक वड़ा पाव आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैं गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ बोलूँगा मज़ा ले जाएगा, क्योंकि ये सीरियसली मैं बोल रहा हूँ हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्ट्री में इनका नाम आना चाहिए। तो चलो इसको मैं खाता हूँ, इन्जॉय करता हूँ। हम लोग एक कैफे पे आए जो कि माही में, माही वेस्ट में है, बहुत पुराना है। कितने साल तुम कितने साल पहले आ रहे पहले रहे? ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ये रस बड़ी है तुम लाइक बचपन में खाना है गोल्ड स्पॉट इसके जैसा, काफ़ी यूनिक कोल्ड ड्रिंक्स है। 40 रुपीज़ है लेकिन बहुत बढ़िया खाए, कैफे भी काफ़ी अच्छा है लेकिन रिजनेबल प्राइस भी। मन बोलते हैं इसको बस के अंदर पूरा ये क्या है मक्खन, हाँ समझो थोड़ा पूरा वो जो क्यूब होता है ना उसका हाफ से हाफ पूरा लगा देते एक पर। तुम बचपन में खाते थे? चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, उनकी चाय भी बहुत अच्छी है। ये पाव नॉर्मल पाव जैसे नहीं? नहीं, इसको बन बोलते हैं यहाँ पे, मीठा नहीं होता, जैसे वेस्ट बंगाल के बन मीठे होते हैं वैसे, इसमें तुम चीनी लगा सकते हो तो बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई कर रहा हूँ बन मास्क का, ये जो पूरा है पूरा बटर है मस्त भर भर के दोनों के साथ में खा रहा हूँ। ऐसे साथ में खा रहे चाय में तो बटे थे और खाते थे पूरा बटरी है सबसे बड़ी बात। पहले मैं सूख नहीं रहा, पहले के ज़माने में जो बटर मिलता था एक हल्का सा नमक टाइप फ्लेवर होता था बटर का, वो स्वाद है इसमें, ये इनका खुद का बनाया बटर है, मस्त है बहुत बढ़िया। कैफे यानी ये सारे फिल्म स्टार फिल्म यहाँ पे शूट हो गए, मस्त है। कैफे ईरानी से निकलने के बाद ही हम लोगों ने कुछ खट्टे मीठे फ्रूट्स ट्राई किए, ये देखने में तो काफी साधारण है लेकिन जया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिल के करीब है, क्योंकि इन्हीं से जया के बचपन के बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं, क्योंकि जया माहिम वेस्ट के ही रहने वाली है। घर के नजदीक से पानी पूरी तुम खाओ बोले तो इसके अंदर शॉपिंग क्या रहते हैं? ओह बड़ा भाव सही है मस्त। ये सामने है माहिम दरगाह जहाँ पे सिंगम 2 का शूटिंग हुआ था, यहाँ पे भी बहुत सारे स्ट्रीट फूड है लेकिन आज कवर हो गए नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ नॉनवेज उतना खा नहीं सकता, किसी पार्टनर लेके आना पड़ेगा, देखते हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ अभी माही में कोई मस्जिद है उसके सामने पूरा खाने का भंडार है, तो यहाँ पे भी कवर करना बनता है। तो ये वीडियो अगर लंबा टानूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी जया का एक दोस्त रहती है, उससे मिलते शाम को यहाँ पे भी कवर कर लेंगे, क्या बोलते हो? तो एक अलग वीडियो में आते हैं।
तो बने रहो ठीक है। पीछे देख लो पूरा खाने का भंडार है इस जगह।